दोस्तों, क्या आपको पढ़ाई करने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें हम भूलते चले जा रहे हैं और टाइम के साथ साथ बहुत तेजी के साथ हम चीजें भूल जाते हैं। हम जो पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि इसका रिजल्ट शायद बहुत ही मुझे कम मिल पा रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हमारा जो रिविजन टेक्निक है वो फ्लॉड होता है। हम जनरली जो रिविजन करते हैं वो टेक्निक गलत होती है, और रिविजन नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोएक्टिव रिविजन कैसे किया जाता है, जिससे आप 100% लंबे समय तक के याद रख पाएंगे और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या फिर स्कूल के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सिविल बींग्स, यानी सिविलाइज ह्यूमन बींग्स। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा I111 टेक्निक, जो कि मेरी टेक्निक है और मैं इसको हमेशा से यूज करता आ रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक और ये टेक्निक क्या है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, एक घंटे के अंदर ही हमारे दिमाग से 50% चीजें लूज हो चुकी रहती है। यकीन नहीं हुआ ना आप लोगों को, ये नहीं पता होगा, क्योंकि जो हमारे दिमाग में जो चीजें घूमती है, हमें लगता है कि हमें आती है चीजें, हमने अभी भी तो पढ़ी है, अभी तो हमें आती है, लेकिन वो सिर्फ 50% चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और हमें ये बताती रहती है कि हाँ, कुछ 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 हमें पता है इसके बारे में, लेकिन 100% चीजें हमें याद नहीं होती हैं। दोस्तों, I111 टेक्निक इज अ वेरी गुड टेक्निक विच यू कैन फॉलो। दोस्तों, ये I111 टेक्निक है जो मैंने खुद बनाई है, और इसको बनाने के लिए मैंने सहारा लिया है एक वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट के रिसर्च का, जिनका नाम है एबिन हाउस। उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने पता किया कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन का एक पार्ट जरूर स्टोर जरूर हो जाता है, जिसको हम किसी फॉर्म में लिंक भी कर देते हैं कभी कभार, और लेकिन बाकी फॉर्म जो होता है, बाकी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो हम लूज कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हम रिविजन करें चीजों का, उतना बेटर होगा, और उन्होंने बताया कि किस टाइम पर रिविजन करना है और कितनी बार रिविजन करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आपसे I111 टेक्निक। आई का मतलब है इमीडिएट, वन वन एंड वन इसका मतलब है वन डे, वन वीक एंड वन मंथ। दैट मींस आप जो भी चीज पढ़ते हैं, सबसे पहली बार जब आपने पढ़ा, आप जैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं उसके तुरंत बाद इमीडिएटली उसको एक बार और पढ़ लीजिए, सिर्फ एक बार, और उसके बाद एक दिन के बाद, फिर एक वीक के बाद, और एक महीने के बाद, कोई भी चीज आप पढ़ेंगे, किसी भी चीज को परमानेंटली दिमाग में डालने के लिए 4 बार मिनिमम रिविजन उन्होंने कहा जरूरत पड़ती है। और इसके लिए जो आइडियल टाइम है वो मैं आपको बता रहा हूं मेरी टेक्निक I111 टेक्निक से। सो इमीडिएट, वन डे, वन वीक एंड वन मंथ विल बी द बेस्ट मेथड फॉर यू टू विजुअलाइज एवरीथिंग आफ्टर अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो। हमने ये भी देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है, इवन खुद पे, जिन्होंने भी ये टेक्निक यूज की है उन्होंने 100% रिटेन किया है अपने एग्जाम के टाइम तक के। जिन्होंने 3 महीने के बाद और 4 महीने के बाद भी रिकॉल करने की कोशिश की है, वो 4 रिवीजन के बाद वो पूरी तरीके से 100% रिकॉल कर पाए थे। तो इसी कारण दोस्तों, ये टेक्निक को फॉलो कीजिए और रिवीजन के लिए अपना नियम बना लीजिए कि आज अगर मैंने कोई चीज पढ़ी है तो आज ही के आज ही मैं उसको तुरंत ही रिवाइज करूंगा, क्योंकि दिमाग से काफी ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम पढ़ाई खत्म करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। आप ही के बहुत सारे कमेंट्स थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया ये ट्रिक आप लोगों से शेयर करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।